और बाम फाउंडेशन भी है और इसके साथ ही साथ जो है पाउडर फाउंडेशन भी है तो इन चारों ही फाउंडेशन के जो है मैं रिव्यू करूंगी स्वॉचेस करूंगी और वे टेस्ट करके भी दिखाऊंगी एंड लेट्स सी कि ये कितना कवरेज देता है एंड इज इट वर्थ बाइंग और नॉट यहाँ पे जो है मेरे पास शीगलैम का दो लिक्विड फाउंडेशन है सो वन इज फॉर ड्राई स्किन एंड वन इज फॉर ऑयली स्किन तो पहला जो है दिस इज शीगलैम स्किन फाइनाइट हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है ये एंड दूसरा जो है दिस इज शीगलैम कॉम्पलेक्शन प्रो लॉन्ग लास्टिंग ब्रीथेबल मैट फाउंडेशन है ये हाइड्रेटिंग फाउंडेशन का पैकेजिंग है इट कम्स इन अ क्रीम कलर कार्डबोर्ड बॉक्स और मैट फाउंडेशन का पैकेजिंग uh, जो है इट कम्स इन अ ब्लैक कलर कार्डबोर्ड बॉक्स और दोनों का पैकेजिंग का कलर डिफरेंस है तो अब चलिए इनर पैकेजिंग जो है खोल के देख लेते हैं आप तो जिसे देख सकते हो इसका इनर पैकेजिंग जो है वेलवेट कवर में आता है एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन का जो वेल्वेट क्लॉथ है इट कम्स इन अ क्रीम कलर वेलवेट uh, कवर और मैट uh, का जो है इट कम्स इन अ ब्लैक वेल्वेट कवर तो इसका जो है इनर पैकेजिंग जो है खोल के देख लेते हैं so, दोनों ही फाउंडेशन का इनर पैकेजिंग जो है यू नो इट कम्स इन अ ग्लास बॉटल दिस इज नॉट अ प्लास्टिक और ये इसका पैकेजिंग जो है बहुत ही हाई एंड है और हाइड्रेटिंग फाउंडेशन में और मैट uh, फाउंडेशन में पैकेजिंग वाइज डिफरेंस जो है जस्ट द कैप कलर तो शीगलाइम के लिक्विड फाउंडेशन में आपको जो है कूल टोन न्यूट्रल और वार्मेड मिल जाएगा तो यहाँ पे मेरा स्किन जो है इट इज मोर ऑफ अ टोन। सो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे जो है शेड्स के यू नो शेड्स यहाँ पे मंगवाया है तो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन में यहाँ पे जो है मैंने गोल्डन और बटरस्कॉच शेड मंगवाया है एंड मैट फाउंडेशन में जो है मैंने बटरस्कॉच और हनी मंगवाया है सो so, इस तरफ जो है मैं अप्लाई करूंगी हाइड्रेटिंग फाउंडेशन और यहां पे जो है आई एल अप्लाई अ मैट फाउंडेशन तो साइड बाय साइड जो है दोनों का ही रिव्यू करेंगे एंड वी विल सी कि ये कितना कवरेज देता है एंड इज इट वर्थ बाइंग और नॉट तो इसके पहले जो है इन फाउंडेशन का जो है स्वॉच करके दिखा देती हूँ ये दोनों ही शेड्स जो है किस तरह दिखता है करके तो यहाँ पे जो है पहले मैं हाइड्रेटिंग फाउंडेशन का जो है स्वॉच करूंगी तो यहाँ पे मैं स्वॉच कर रही हूँ दिस इज अ बटर स्कॉच शेड तो पहले थोड़ा इसको जो है इस तरह लगा के देख लेते हैं सो तो आप जैसे देख सकते हो इसका कंसिस्टेंसी जो है थोड़ा रनी है सिंस इट्स अड्रेटिंग फाउंडेशन तो इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा रनी है और आप जिसे देख सकते हो ये है बटर स्कॉच शेड और ये दिखने में कुछ इस तरह है नेक्स्ट शेड आई एल बी स्वाचिंग इज दी गोल्डन शेड और लेट uh, सी कि ये गोल्डन शेड किस तरह दिखता है करके तो इसको भी जो है थोड़ा अपने हाथों पर इस तरह मैंने ले लिया है और uh, इसको भी जो है हम लोग स्वाच कर के देख लेंगे ये है बटर स्कॉच और ये है गोल्डन शेड और दोनों को कंपेयर करोगे तो गोल्डन शेड जो है थोड़ा डार्कर है कंपेरेटिवली विदर स्कॉच सो मे बी आई विल गो विद द गोल्डन शेड ये था हाइड्रेटिंग फाउंडेशन का स्वॉचेस और अब चलते हैं मैट फाउंडेशन का स्वॉचेस करते हैं जिससे मैंने बताया था कि मेरे पास यहाँ पे बटर स्कॉच और हनी है मेरे पास तो पहला जो है हम लोग स्वॉच करेंगे बटर स्कॉच और इसका जो शेड है सो so, आप जैसे देख सकते हो गाइज इफ़ यू कंपेयर विद द हाइड्रेटिंग फाउंडेशन इसका जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ा थिक है सो दैट वॉज अ हनी कंसिस्टेंसी पर इसका कंसिस्टेंसी जो है बहुत ही थिक है और स्वॉच करने के बाद आप जैसे देख सकते हो ये कुछ दिखने में इस तरह है ये है बटर स्कॉच शेड सो हनी शेड है ये और इसको जो है थोड़ा ऐसे ले लिया है मैंने अपने हाथों पर और इसको भी जो है स्वॉच करके देख लेते हैं So, आप देख सकते हो हनी शेड जो है कुछ इस तरह है दिखने में यहाँ पे जो है मैं हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज करूंगी और यहाँ पे जो है मैट फाउंडेशन यूज करूंगी यहाँ पे जो है शी ग्लैम ने मुझे यहाँ पे शीगलैम का फाउंडेशन फ्लैट ब्रश जो है मिला है तो आई विल बी यूजिंग टू अप्लाई माई फाउंडेशन तो इसी को यूज करके हम अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल गो विद ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश उट माई फाउंडेशन आप देख रहे होगा इस मुझे डार्क सर्कल्स भी है एंड थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन भी है एंड ऑल्सो आई डू हैव अटिल ब्रिट ऑफ एक्स कार्सर एंड देखते है ये कितना कवरेज देता है यूज करेंगे हाइड्रेटिंग फाउंडेशन तो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन में जो है मैं ले रही हूँ गोल्डन शेड तो इसको जो है पहले ब्रश में इस तरह मैं थोड़ा ले ले रही हूँ एंड देन आई विल अप्लाई ऑन दिस साइड अपलाई करेंगे और फिर से मैं बता दूँ ये जो शेड है इट इज अ गोल्डन शेड सो आप जैसे देख सकते हो तो यहाँ पे जो है मैंने इस तरह इसको अप्लाई कर दिया है है मैं ब्यूटी ब्लेंडर पहले इस्तेमाल कर रही हूँ लेट्स सी कि ये ब्यूटी ब्लेंडर से किस तरह ब्लेंड होता है सो so, आप जैसे देख सकते हो ये कितना इजीली ब्लेंड हो जा रहा है एंड इट्स नॉट टेकिंग टू लॉन्ग टू ब्लेंड और इसको जो है अच्छी तरह से पहले ब्लेंड कर लेते हैं सो so, जैसे आपने देखा इसको ब्लेंड करना बहुत ही आसान है बहुत ही ईजिल ब्लेंड हो चुका है एंड आई एब्सोल्यूटली लव द फिनिश ऑफ दिस सो आप जैसे देख सकते हो इसका फिनिश जो है इट इज गिविंग मी अ वेरी नाइस नेचुरल

सो so, आप जैसे देख सकते हो ये इजिली अंडर आईज को जो है इट इज कवरिंग अप इट इज अ मीडियम कवरेज बट इट्स नॉट अ फुल कवरेज और फुल ग्लैम नहीं है ये पर या एवरीडे यूज के लिए दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट फाउंडेशन आई कैन से सो आप जैसे देख सकते हो मेरा स्किन इट इट इज लुकिंग वेरी वेरी फ्लॉलेस ये फाउंडेशन जो है बहुत ही एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाता है एंड इट इज अ लाइट वेट फाउंडेशन ये मेरे फेस को जो है केकी बिल्कुल ही नहीं कर रहा है आपकी स्किन को जो है बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन देता है मॉइस्चराइज करता है और आपने जैसे देखा यहाँ पे थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन था एंड ऑल्सो आई हैड एक्ने का उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया है आपका स्किन जो है बहुत ही ड्राई है एंड विंटर के लिए ये वाला फाउंडेशन दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन और ये फाउंडेशन जो है आप एवरी के लिए आप यूज कर सकते हो ये था हाइड्रेटिंग फाउंडेशन

आप जैसे देख सकते हो ये जो है एक शेड थोड़ा सा यू नो लाइट है कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा सा डार्क शेड लेना था व्हेन यू कंपेयर दिस वन आई थिंक आई शुड हैव द यू नो गोल्डन शेड पर मैंने यहाँ पे हनी शेड मंगवाया मैट फाउंडेशन इसको भी जो है ब्लेंड करना बहुत ही आसान है बहुत ही ईजिली जो है ये ब्लेंड हो जा रहा है सो आप जैसे देख सकते हो ये कितना ईजिली जो है ब्लेंड हो चुका है अगर मैं हाइड्रेटिंग फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन के बीच में कंपेयर करूँ तो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन का कवरेज जो है इट इज अ मीडियम कवरेज और ये जो है इट इज अ फुल कवरेज एक्चुअली सो ये एक ही अप्लीकेशन में जो है बहुत ही अच्छी तरह से मेरे अंडर आई सर्कल्स को और थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन था एंड ऑल्सो यू नो आई हैड स्कार्स उसको भी जो है बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर चुका है आई एप्सोल्यूटली लव द कवरेज वाइज ये वाला जो है बहुत ही अच्छा है सो इट इज अ मैट फाउंडेशन ये आपके स्किन को जो है केकी बिल्कुल ही नहीं करेगा सो so आप जैसे देख सकते हो मेरा स्किन जो है बहुत ही स्मूथ है बहुत ही फ्लॉलेस लग रहा है एंड इट इज गिविंग मी अ वेरी नाइस नेचुरल फिनिश लुक अगर आपका स्किन जो है ऑयली है और अगर आप बहुत ही स्वेट करते हो समर के लिए ये वाला फाउंडेशन मैट फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छा है दोनों ही फाउंडेशन जो है क्लेम करता है कि इट इज अ वॉटर एंड ऑल्सो व स्वेट प्रूफ सो so, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत मैंने इसमें पानी डाल लिया है सो दिस इज अ स्प्रे तो थोड़ा स्प्रे करके देख लेते हैं वेदर इट्स अ वाटर or और नॉट यहाँ पे पहले थोड़ा स्प्रे कर लेते हैं तो आप जैसे देख सकते हो गाइज मैंने अच्छी तरह से अपने चेहरे पे जो है पानी स्प्रे कर लिया है तो आप टेस्ट करते हैं है वॉटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ और नॉट जो है मैंने टिश्यू पेपर लिया हुआ है दिस इज अ नैपकिन सो इसको जो है पहले लगा के देखते हैं सो आप जैसे देख सकते हो ये नैपकिन में कुछ भी नहीं है लेट्स सी कि ये ट्रांसफर हो रहा है या नहीं तो इसको जो है थोड़ा ऐसे डैप करके देखेंगे सो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे लुक दिस गाइस तो यहाँ पे जो है पानी ट्रांसफर हुआ है पर फाउंडेशन जो है बिल्कुल ही ट्रांसफर नहीं हुआ है जैसा था वैसे का वैसा ही है सो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन जो है डेफिनेटली इट्स अ वाटर एंड स्वेट प्रूफ और अब जो है मैट फाउंडेशन चेक करके देखते हैं तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैंने पानी तो लगा लिया है पर और थोड़ा जो है पानी लगा लेते हैं तो यहाँ पे और थोड़ा मैंने पानी जो है स्प्रे कर लिया है तो अब जो आप जैसे देख सकते हो नैपकिन में कुछ भी नहीं है तो इसको जो है इस तरह डैप कर लेंगे पहले तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से डैप कर लिया है अमेजिंग रिजल्ट आप जैसे देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे पानी ट्रांसफर हुआ है पर फाउंडेशन जो है बिल्कुल ही ट्रांसफर नहीं हुआ है सो दिस इज हंड्रेड परसेंट वाटर प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ दोनों ही फाउंडेशन जो है बहुत ही ट्रेवल फ्रेंडली है इजिली आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हो और प्राइस वाइज भी ये बहुत ही अफोर्डेबल है इंडिविजुअल uh, इसका फाउंडेशन का प्राइस जो है इट इज नाइन डॉलर फोर्टी नाइन सेंस सो या आई एब्सोल्यूटली लव दीज टू लिक्विड फाउंडेशन फ्राम शी गलैम सो अब जो है मैं रिव्यू करने वाली हूँ बाम एंड पाउडर फाउंडेशन सो ये जो है दिस इज शी ग्लैम स्किन इन्फ्लुन्सर फुल कवरेज बाम फाउंडेशन है ये और ये जो है दिस शीग्लैम स्किन फोकस हाई कवरेज पाउडर फाउंडेशन है ये so, सो आप जैसे देख सकते हो दोनों का पैकेजिंग जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है जस्ट दैट साइज में डिफरेंस है आप जैसे देख सकते हो दोनों के इनर पैकेजिंग में आपको जो है वेलवेट कवर मिल जाता है और इसका पैकेजिंग भी जो है बहुत ही हाई एंड है तो इसका बाम का फाउंडेशन का जो है पैकेजिंग हम लोग खोल के देख लेते हैं तो आप जैसे देख सकते हो ये है बाम का फाउंडेशन का पैकेजिंग और ये आता है ग्लास टब में देख सकते हो ये है पाउडर फाउंडेशन का पैकेजिंग और इसका पैकेजिंग जो है बहुत ही हाई एंड लग रहा है और इसको जो है खोल के देख लेते हैं तो मैंने पहले जो है बाम फाउंडेशन का रिव्यू किया था पर पाउडर का कभी नहीं किया है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट और आप जैसे देख सकते हो इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह है और इसमें जो है आपको पाउडर फाउंडेशन मिल जाएगा और इसी में जो है आपको मिरर एंड ऑल्सो यू विल गेट अ बफ टू अप्लाई अ पाउडर फाउंडेशन सो बाम एंड पाउडर फाउंडेशन में भी जो है आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे कूल अंडरटोन न्यूट्रल और वार्म अंडरटोन तो यहाँ पे जो है मैंने वार्मरटोन के अकॉर्डिंग जो है टू शेड मंगवाया है तो यहाँ पे जो है बाम में मैंने सैंड एंड वार्म वेनिला शेड मंगवाया है एंड पाउडर फाउंडेशन में जो है मैंने बटर स्कॉच एंड हनी शेड जो है मैंने मंगवाया है तो है स्वॉच करके आपको दिखा देती हूँ चारों ही टेस्ट तो पहले जो है बाम फाउंडेशन का जो है स्वॉच कर लेते हैं तो फर्स्ट शेड जो है दिस इज अ वॉम वनीला शेडी हुए शेड दिखने में कुछ इस तरह है पर इसको जो है स्वॉच करके देख लेते हैं सो तो सो so, आप जैसे देख सकते हो ये स्वॉच करने के बाद कुछ इस तरह है और इसका जो कंसिस्टेंसी है इट इज़ वेरी वेरी क्रीमी और नेक्स्ट uh, शेड जो है दिस इज सैंड और इसको भी जो है स्वॉच करके देख लेते हैं सो so, आप जैसे देख सकते हो सैंड शेड जो है कुछ इस तरह है एंड इट लुक्स लिटिल डार्कर देन द वॉम वनीला तो इफ इसको भी जो है स्वॉच करके देख लेते हैं सो so, सो so, आप जैसे देख सकते हो दोनों स्वॉच करने के बाद ये शेड्स जो है कुछ इस तरह दिख रहा है सो so, यहाँ पे पाउडर फाउंडेशन में भी मेरे पास यहाँ पे दो शेड्स है तो यहाँ पे जो है पहला शेड में स्वॉच करने वाली हूँ बटर स्कॉच और ये शेड दिखने में कुछ इस तरह है और इसको जो है आप जैसे देख सकते हो स्वॉच करने के बाद इसको कैसा लग रहा है सो so, आप जैसे देख सकते हो ये स्वॉच करने के बाद कुछ शेड में इस तरह है एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स और अब जो है नेक्स्ट आई विल गो विद द हनी शेड तो हनी को जो है हम लोग स्वॉच करके देख लेंगे तो हनी शेड जो है दिखने में कुछ इस तरह है और इसको स्वाच करने के बाद देखते ही किस तरह दिखता है सो so आप जैसे देख सकते हो

मैंने इसको अप्लाई कर लिया है अब जो है ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लूंगी सो so, इसको जो है मोशन में इस तरह ब्लेंड कर लेंगे सो so, you know, so, so so so, जैसे आप देख रहे हो गई इसको ब्लेंड करना बहुत ही इजी है एंड ये बहुत ही इजिल ब्लेंड भी हो जा रहा है एंड इट्स नॉट लिविंग माई स्किन केकी और आप जैसे देख सकते हो कहीं पे भी ये केकी नहीं नजर आ रहा है बहुत ही ईजिली फ्लॉलेसली ब्लेंड हो चुका है एंड इट इज सुपर लाइट वेट और ये मेरे स्किन पे जो है इट इज नॉट लुकिंग वेरी ग्रीजी ऑल्सो जिसे देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा नेचुरल फिनिश फ्लॉलेस फिनिश दे रहा है ये कवरेज वाइज बहुत ही अच्छा है ये मेरे अंडर आई सर्कल्स को बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया है और थोड़ा बहुत यहाँ पे पिगमेंटेशन मार्क था अराउंड माई माउथ एंड ऑल्सो आई डू हैड यू नो लाइक थोड़ा बहुत एक्टनेस कार्ड था वो बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो चुका हैचुरल फ्लॉलेस फिनिश लुक अगर आपको कोई हाई कवरेज फाउंडेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली बाम फाउंडेशन ले सकते हो सो so, यहाँ पे पाउडर फाउंडेशन में यहाँ पे मेरे पास दो शेड है तो आई विल गो विदनी शेड यहाँ पे जो मेरे पास ले लिया है और इसको थोड़ा बहुत इस तरह अपने पफ में इस तरह मैंने ले लिया है तो आप जैसे देख सकते हो मेरा यहाँ पे डार्क सर्कल्स भी है थोड़ा बहुत एक्नी स्कार्स का मार्क भी है एंड अराउंड माय स्किन देर इज अ पिगमेंटेशन तो इसको जो है अप्लाई करके देख लेते हैं तो ये देखते हैं कितना कवरेज देता है एंड लेट्स uh, तो इसको जो है इस तरह मैं डैबिंग मोशन में पहले अप्लाई करूँगी तो यहाँ पर थोड़ा मैंने और एक्स्ट्रा लेना है प्रोडक्ट तो यहाँ पे थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेके इसको जो है अप्लाई करके देखते हैं तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे इंस्टेंटली ये मेरे यू नो ऑयली स्किन को जो है ये इंस्टेंटली मेरे स्किन को मैट कर रहा है एंड इट्स गिविंग मी ओके ओके कवरेज आई फील इसको पहले अप्लाई कर लेंगे देखते ही ये कैसा फिनिश देता है इतना फुल कवरेज नहीं दे रहा है बट या इट्स गिविंग मी अ वेरी नाइस मीडियम कवरेज और बहुत सारे लोग जो है पाउडर फाउंडेशन के फैन नहीं होते हैं मैं भी पाउडर फाउंडेशन की होती बड़ी फैन नहीं हूँ बट या आई जस्ट वॉन्टेड टू टेस्ट की ये कैसा है करके पर आप जैसे देख सकते हो गाइज ये इंस्टेंटली अगर आपका स्किन ऑयली है तो ये इंस्टेंटली आपके स्किन को जो है मैटिफाई करता है एंड स्पेशली फॉर टचअप ये फाउंडेशन जो है दिस इज परफेक्ट सो बहुत लोगों का स्किन जो है समर में स्वेटी होता है ऑयली हो जाता है और आपका फाउंडेशन जो है एकदम से निकल जाता है तो आप इंस्टेंटली ये फाउंडेशन को जो है टचअप के तरह आप यूज कर सकते हो ये बहुत ही लाइट वेट है एंड ऑल्सो इट इज गिविंग मी अ वेरी नाइस फ्लॉलेस फिनिश और यहाँ थोड़ा बहुत पोर्स और एक्ने को जो है ये बहुत ही अच्छी तरह से ब्लर भी कर रहा है इट्स नॉट यू नो इट्स विजिबल नाउ लेटेस्ट में आई फेल्ट कि बाम फाउंडेशन अगर आपका स्किन जो है बहुत ही ड्राई है तो आप बाम फाउंडेशन ले सकते हो अगर आपका स्किन जो है बहुत ही ऑयली है एंड अगर आपको इमीडिएट टचअप चाहिए तो आप ये पाउडर फाउंडेशन ले सकते हो एंड uh, दोनों ही प्राइस वाइज जो है बहुत ही अफोर्डेबल है बाम फाउंडेशन का प्राइस जो है इट इज एट डॉलर फोर्टी नाइन सेंस और पाउडर uh, फाउंडेशन का जो प्राइज है इट इज एट डॉलर नाइनटी नाइन सेंस और आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप अपने फाउंडेशन को चूज कर सकते हो मेरा स्किन जो है इट इज मोर ऑफ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप तो ये मैं चारों ही फाउंडेशन जो है यूज कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द वैदर तो अगर आपका स्किन जो है ड्राई है तो आप बाम फाउंडेशन और हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ले सकते हो अगर आपका स्किन जो है ऑयली है तो आप मैट और पाउडर फाउंडेशन ले सकते हो तो इन चारों ही फाउंडेशन का जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हो वरना आप डायरेक्टली जो है श्री ग्लैम वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड सी टिल माई नेक्स्ट वीडियो बाय बाय